Hi guys, this is Wannabe Star Kid, मैं हूँ अमर। So finally आ चुका है यार, क्या बोलती रहे पब्लिक, बहुत लोगों को इंतजार था बिकॉज एक हफ्ता पहले ही इसका टीजर लॉन्च किया था बंडाई ने और उसमें ही 1 मिलियन के ऊपर व्यूज चले गए थे भाई एक टीजर के अंदर। तो मेरे को तो लग ही रहा था कि ये गाना सुपर डुपर हिट होने वाला है। और एक और चीज यार, जब मैंने फीचरिंग देखा इसमें यंग गालिब, व्हाट आई वाज लाइक, ये गाना तो भाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेरी ऑन द टॉप होता है ना, वो होने वाला है। बिकॉज अभी हम लोग को पता है कि कर्मा और यंग गालिब का बीफ चल रहा था, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज कर्मा ने रिप्लाई नहीं दिया एंड आई थिंक खत्म ही हो गया है। अब देखना ये है कि कर्मा के ऊपर शॉट्स ले रहा है बंटा या यंग गालिब ले रहा है या फिर कंप्लीटली इग्नोर किया है, वो तो गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो यार फटाफट से सॉन्ग सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ये चैनल एक कमेंट्री, रिव्यू एंड रिएक्शन चैनल है। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है और सिर्फ वीडियो देखनी है तो प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर के चैनल पे जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज इस वीडियो में बीच बीच में वीडियो को पॉज करूंगा और अपने पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यूज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, पुराने जमाने का रेडियो। हाँ, कटिंग चाय। पूरा ओल्ड गाने का वाइब दे रहा है भाई, ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। क्या बोलती कंपनी, बहुत कमाई ले मनी, ये तो पूरा वैसा लग रहा है। मैंने कितने रैपर्स के गाने सुने हैं जो वेस्टर्न रैपर्स से थोड़े मिलते जुलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि कॉपी किया, कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता यार, कॉपी कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन बोलते हैं। ये बंदा अपने आप से इंस्पिरेशन लेता है, अलग ही लेवल पर चल रहा है ये। उसमें क्या बोलती कंपनी, 100 मिलियन पार हो गई ली। क्या बोल रहे बबले, आ बोलती बबले, केड़े चले करेगी नहीं, क्या बोलती बबले, करे नहीं तो करो, क्या बोलती बबले, एरिया। अबे ये क्या रफ्तार की बीफ याद आ गई मेरे को, डिट्टो ऐसा ही लगता था एमवी में। ये क्या टाइम मशीन से निकल के आया है क्या? क्योंकि अब रिसेंटली जब हम इसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स मतलब जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है पूरा, मतलब जब पैसा आता है तो यार एक लुक हुलिया बदल जाता है ना, और उस टाइम पे रफ्तार के टाइम पे तो यार ऑब्वियसली करोड़ों में तो नहीं कमा रहा था। क्या सेम उसी लुक में आया ये ओल्ड बंटा है। और क्या बोलती कंपनी का मिक्सर, अब देखते हैं और कौन कौन से गाने का मिक्सर डाला है, पूरा मिक्स करके डाल दिया भाई। यार ये बंदा ना हर गाने में, अरे रुक जा, सल्यूट। पता है क्यों, मैं बताता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे साला ऐसी फालतू का सल्यूट देता रहता है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पुराना गाना था छोड़ डाला, दैट वॉज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड ऑल द बकवास चीज़ें जो होती हैं स्ट्रीट्स में। भाई बड़े वाले घर वे करते हैं, जो जितने अमीर है वो लोग भी करते हैं ड्रग्स, तो स्ट्रीट से लेके टॉप तक करते हैं, हम सबको पता है। बट बींग अ 20 मिलियन सब्सक्राइबर रैपर, वॉट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही इज बिकमिंग भाई। एक वो होता ना मसीहा, ये रैपर से निकल गया, थोड़ा मसीहा रैपर बन रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसके फॉलोअर्स बहुत हैं एंड ये भी एक स्ट्रीट से निकल के आया, तो इसको पता है कि स्ट्रीट में क्या चलता है, कितना मतलब डार्क वर्ल्ड होता है एक स्ट्रीट की लाइफ। तो ये खुद बोल रहा है, मतलब लास्ट वाले गाने में भी इसने कहा था कि मैं भी ऐसा वो सब करता था रोल वोल, अब समझ जाओ क्या क्या रोल करके मारते हैं। तो ही वॉज एक्चुअली टेलिंग देम कि स्टॉप डूइंग ऑल दिस। अब इस वाले गाने में अगेन यही बोला है कि मैं भी पहले पटेली मारता था, पुलिस मुझे लेके जाती, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, पटेली मारता था, ये करता था, एड़े चाली मारता था। भाई उसमें कुछ नहीं रखा, मेहनत करके कमाओ, नाम बनाओ, उससे बड़ी एड़ी चाली और कहीं नहीं है। बंटा है, ओह माय गॉड, दूसरे रैपर्स क्या क्या कर रहे हैं, अपना ही खुद का फ्लैक्स कर रहे हैं, कोई पिछवाड़े दिखवा रहा है, कोई लड़कियों को एक्सपोजिंग करवा रहा है, ये बंदा रियलिटी पे गाने बना रहा है। तो ये किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम इंस्पिरेशनल है भाई। अब आई थिंक ये टाइटल में तो नहीं लिखा है इसका किंग ऑफ द स्ट्रीट का, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा है #cots, तो ये आई थिंक उसी का ही एल्बम का कोई सॉन्ग होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे आप प्लीज करेक्ट कर देना। बट ये बंटा की एक बहुत कड़क चीज लगी है मेरे को, ही इज एक्चुअली टेलिंग हिज फॉलोअर्स की मत करो भाई, कुछ नहीं है बकवासगिरी में। ओह
सो ये गाना छोड़ डाला क्या बोलती कंपनी और पुराना है भी हुए उसका मिक्सचर है, ठीक है। अब भी कितने लोग फंसे ले वही दुनिया में, तो पता लगा लाला कि तू आया क्यों है दुनिया में, जान ले पैया घूमेगा नहीं मारना पड़ता पेडल, जिंदगी एक खेल है लाला जी तो ट्रॉफी मेडल, अपने को पूरा करने मेहनत जाके करो, बच्चे बोलने चाहिए डैडी मेरे आड़ा गेड़ो, खास वाले करीब बनाते खुद की नसीब, डीसी एकदम बधिर रावस रहने का अजीब, निकालो खुद की तरकीब, जिंदगी बड़ी बनाने को पैदा चाहे किधर भी हो मरने का नहीं गरीब, क्या बोलती पब्लिक ये करके अपन छोड़ दिए ले, क्या बोलती पब्लिक ये सब मत करो, क्या बोलती पब्लिक नाम बनाओ दुनिया में, आग से बोलो मचा रे ले, बॉयज फ्रॉम द गेटो, कितनों की गांड जल के राख, अपना राज चल रहा पूरे सीन में, ये लोग से हार्ड अपना पास देखे बुरे दिन भी। ओके मेरे फेस फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मैं सरप्राइज्ड हूं, मैं सरप्राइज्ड नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था यंग गालिब को देखने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से ही इज प्रोड्यूसिंग अमेजिंग ट्रैक्स, और बंटाई के साथ इधर आ गया है वो भाई एग्रेशन, और उसमें स्ट्रीट फाइटर वाले टाइम के हम खेली, मारा मारी वाले कांड करके छोड़े पहला इनसे, कि ये काम तभी नाम ज्यादा फैला इनसे, बैक बेंचर बाबा लेकिन हार्ड अपन पहला दिन से, सीडी मारे दोस्त को तो यहाँ बंदी बल्टे, बंबई वाला स्वैग अपने अंदर बंटा पैदा किया, प्यार करने वाले साथ साथ ऑलमाइटी है, पैसा घर घूमने को है कार बाबा और क्या चाहिए, वेव लेके आया इनकी डूब गई टाइटैनिक के जमी से, हम हो गए बाबा से बोलते ऑर्गेनिक की बारिश हो रही है, खुदा बरसा रेला रहमत, नाम बना रेला बेटा अम्मी अब्बा सहमत, मिला नहीं किए ले है मेहनत, पूरी हो रही मन्नत अपने साथ बंटा एसआर, क्या बोलती पब्लिक ये करके अपन छोड़ दिए ले, वाह भाई क्या वर्स था गालिब का, क्या बोलती पब्लिक ये सब मत करो, क्या बोलती पब्लिक नाम बनाओ दुनिया में, आग से बोलो मचा रे ले, वॉइस फ्रॉम द गेटो, क्या बात है, क्या बोलते क्या बोलती पब्लिक क्या बोलते क्या। सो बेसिकली सेइंग कि अगर एडी चाली करनी है तो अच्छे वे में करो, क्रिएटिव वे में करो, जैसे बंटा एक क्रिएटिविटी एक रैपिंग सीन से मेहनत कर करके आगे बढ़ा है जो उस लेवल पे है, तो ये वही बता रहा है कि भाई करनी है एडी चाली करो भाई, रोक टोक ना है लेकिन वो गंदी वाली ना खड़ो, है ना, जब पुलिस केस हो जाए, माँ बाप को टेंशन हो जाए, अलग केसेस चल रहे ना, ये वाला एडी चाली करो भाई, क्या बोलते मचारेगी नहीं, क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते, आग से बोलो मचारे ले बॉयज फ्रॉम द गेटो। ओके वाओ, तो भाई गाना का 15-20 सेकंड सुन के मैंने बोला ये तो क्या बोलती कंपनी का मिक्सचर, उसके बाद सुना तो ओल्ड एमिवे का थोड़ा झलक दिखा मेरे को, जब रफ्तार के साथ बीफ हुआ था वही उसका सेम लुक था भाई, वही स्पेक्स और वही उसकी दाढ़ी और वही उसके वैसे बाल, तो मैं उसी वे में चला गया, और जब आगे आगे मैंने सुना तो मेरे को लगा ये तो छोड़ डाला की तरह ट्रैक है, वो थोड़ा ड्रग्स को रिलेटेड था कि मत करो ड्रग्स, मत करो मत करो, कुछ नहीं रखा, और ये भी तो उससे मतलब टू बी ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि जो ये सॉन्ग है ना कंपनी छोड़ डाला पार्ट टू है, मिक्सचर ऑफ दैट, वो दोनों गाना मिला के ये गाना बना है क्या बोलती पब्लिक, और लिरिसिज्म में यंग गालिब ने बहुत अच्छे से किया है, देखो एमिवे तो करता ही है, वी नो दैट कि अगर एमिवे का ट्रैक आएगा डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट यंग गालिब की तारीफ ये है कि भाई बंटा को भी लगा है कि हाँ ये बंदा मचा रहा है, आ भाई कोलैब मारते हैं मस्त गाना लेके आते हैं, और पहले भी बहुत बार किया है, ऐसा नहीं है एक ही बार किया है, सोलिना को भी लेके किया था एक लव सॉन्ग, आए हो मेरी जिंदगी मैं तुम बहार बनके, था ना वो गाना, भूल गए अब मैं गाने का नाम, मैं भी भूल गया, मॉनसून ईपी में था गाने का नाम भूल गया, बट उसमें भी यंग गालिब ने अच्छा काम किया था। वाओ बैन व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये तो एक इंस्पिरेशनल मसीहा रैपर बन रहा भाई, तो ये किंग ऑफ द स्ट्रीट्स बेसिकली इंस्पिरेशनल एक एजुकेशनल उस टाइप ऑफ एल्बम ईपी जो भी है वो है। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज मुझे आप कमेंट में बताओ, इस ट्रैक को मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा, वाओ भाई आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं आपके लिए मजेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।